हाल ही में एक जो वीडियो वायरल हुआ था कि एक आदिवासी युवक के ऊपर एक बीजेपी के कर्मी जो कि पेशाब किए थे और उसको लेकर के आज दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन एवं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट पूरे फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए। सबसे पहले तो प्रवीण शुक्ला को अरेस्ट किए गए, उसके बाद में उसके घर में बुलडोजर चलाया गया और उस विजुअल को फिलहाल हम आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले जो कि ये वीडियो जो वायरल हुआ था, वायरल होने के बाद ही फुल एक्शन में दिखाई दिए मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट। और बताना चाहेंगे कि एक जो दलित परिवार से बिलोंग करने वाले जो कि आदिवासी समुदाय के एक युवक के ऊपर जो पेशाब किए थे प्रवीण शुक्ला ने, उसको लेकर के पूरा भारत में एक घमासान मच गया था और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उसको लेकर के आज फिलहाल जो फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शिवराज सिंह की जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के द्वारा आज एक पूरा रेस्क्यू किया गया और उसके घर में जा कर के प्रवीण शुक्ला के घर में जा कर के जो बुलडोजर चलाया गया। और आज फिलहाल आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के सभी दर्शकों को हम फिलहाल वहाँ का जो विजुअल है वो विजुअल दिखाने के प्रयास कर रहे हैं आदिवासी न्यूज़ टीवी चैनल के सभी दर्शकों को। पाया गया कि इनके पिता का मकान एक बटे तीन भाग में विधि के विपरीत बना हुआ है और उसी के संबंध में मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार मकान गिराने की कार्रवाई, चोरने की कार्रवाई की जा रही है। जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो राष्ट्रीयता के तहत की जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है प्रवेश लगे थे। ये तो मकान जो है अवैध रूप से बना है, इसलिए अवैध निर्माण, अवैध तो पूरा हिस्सा गिराया जाएगा। नहीं, एक बटे तीन जितना उनका जितना मध्य प्रदेश शासन के हिस्से में नहीं, मध्य प्रदेश